ऑल राइट, वेलकम टू स्ट्रीट्स पाकिस्तान। सो गाइस, आज संडे का दिन है और मेरा नाश्ते का बड़ा दिल कर रहा था, और क्योंकि सुबह सुबह जब मैं उठा, आज के दिन मैं सुबह जल्दी भी उठ गया। अच्छा, तो देखा कि बारिश हो रही थी, बड़ा एक फिट सी वाइब आई हुई थी मौसम की। ठीक है, और आप लोगों को भी पता है कि समर में अगर बारिश हो जाए तो काफी ब्लेसिंग होती है। समझ गया। तो मैंने कहा यार क्यों ना इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए, हम लोगों को फिर नाश्ता किया जाए जाके। मेरा तो दिल है कहीं पे चने शने मिल जाए, क्योंकि मौसम बड़ा फिट है इस टाइम इस्लामाबाद में। तो चलते हैं इसी सिलसिले में, सबसे पहले हम एक और दोस्त को अपने पिक करते हैं जो कि अरसलान है, और बड़ा अच्छा दोस्त है। इसको भी मैंने खास तौर पर जगाया सुबह के भाई उठ चला नाश्ता करके आते। उसने भी जब मौसम देखा है तो भी कहता है यार चलो यार नाश्ते का सीन मस्त होना चाहिए। अभी चलते हैं उसको पिक करते हैं। आजा अरसलान, कैसा है ब्रो? फिट है, मजे में? बस ठीक है। तेरी नींद तो खराब नहीं की मैंने यार? सीरियसली मैं रात को लेट सोया था। हाँ, लेकिन मैं खाना थोड़ा कम खाया था। मुझे पता था कि सुबह बादल आए हुए होंगे। मेरा वैसे तो मरी का दिल था, लेकिन अभी नहीं वो जो जो बारह को एक्सप्रेस बने हैं वो बड़ी खूबसूरत मैंने वीडियो देखी सुबह की। और बस यार फिट है, लेकिन जिगर मेरा तो प्लान बन रहा है कोई खापा अच्छा वाला किया जाए नाश्ता। हलवा पूड़ी हो जाए या चने शने हो जाए, क्योंकि इस्लामाबाद में उधर ही चलते हैं, मेलोडी फूड स्ट्रीट बनती है। सही है, मेलोडी चले जाते हैं। ए, रहा नहीं जाता क्या बात की है मुनाल। आदिल तो बड़े फिट हुए हैं यार, मेरे ख्याल में मुनाल कहीं सीन कर लेते हैं। मुनाल से फिर हलवा वहाँ से खाएंगे। कॉन्टिनेंटल उधर उधर होता है ना, बेसिकली वो जो ब्रेकफास्ट प्लेटर होता है दो किस्म का, एक ओरिएंटल होता है, कॉन्टिनेंटल होता है, और उसके साथ लस्सी या जूसेस या इस तरह की चीज होती है। यू कैन गेट अ टी इन द एंड। बस सही है अरसलाने, अब इतने अरसे बाद हमारी मुलाकात हो रही है, तूने मुझे टाइम दिया है, तो मेरे ख्याल में फिर मनाल ही कर लेते हैं। ये तो फिर तूने मुझे सुनाते रहने के भाई मनाल बात 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 बात। ओए होए 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 यार अरसलान है, वर्थ इट है यार, है ना? वर्थ इट है, वर्थ इट। यार देख वेर बादल आए हुए हैं। उफ यार वाकई अच्छा डिसीजन हो गया हमारा, कितना फिट मौसम है। सही है, और रास्ते में बड़ी अच्छी वाई वाई है, नाश्ता अच्छा मिल रहा है यार। नाश्ता यार वैसे नाश्ता कॉन्टिनेंटल खाते हैं देसी। सो गाइस फाइनली हम लोग मुनाल पहुंच गए, और बहुत अच्छा मौसम है। सही है, नीचे इस्लामाबाद में भी खैर जब नीचे थे हम तब भी अच्छा मौसम था, और अभी जब ऊपर आए तो बड़ा एक अच्छी सी वाई भाई है, हवाएं ठंडी हवाएं चल रही है, पाकिस्तान का झंडा है। सही है, 14 अगस्त की वजह से इन्होंने लगाया, ये भी एक पॉजिटिव पेट्रियोटिज्म है मुल्क में अभी तक है। बहुत बहुत तो जिगर अभी चलते हैं। अरसलान है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मैं कुछ भी नहीं कह रहा, भाई से कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं बोल रहा भी नहीं यार, क्योंकि मुझे भूख लगी इसलिए मैं बोला भी नहीं जा रहा है। हां वैसे ही तेरी जब भूख लगती है तेरी हालत टाइट हो गई, शुक्र है बीपी लो नहीं हुआ तेरा। तो यार मेन्यू हमारे पास आ गया अरसलान साहब, और इनके बेसिकली दो प्लेटर्स हैं। सही है, एक पाकिस्तानी प्लेटर है और एक कॉन्टिनेंटल प्लेटर है, और 1575 प्लस टैक्स ब्रो, अराउंड 1700 रुपीस में 1700 का एक नाश्ता हम करने आए हैं यहाँ पे। अब लग रहा है वर्थ इट हो, ठीक है यार। और सबसे मजे की बात ये है कि पहले हम लोग अंदर आ रहे थे, तो पहले हम दूसरी जगह जा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं आप लोग छड़े हैं तो आप लोग इधर आके बैठ जाए साइड में। हाँ, बेसिकली ट्री हाउस है ये, मुनाल का थोड़ा सा साइड पे बना हुआ है। मेरा वाइब ऐसी दी हुई है जैसे ट्री हाउस होता है, लेकिन बना हुआ अरसलान ने मुझे तो फूड से फ्री से लेने देना कुछ भी नहीं है। हाँ। श्री बेशक जैसा हो, मैंने खाना अच्छा चाहिए मुझे। कि अगर आप बहुत ज्यादा खाने वाले हो ना, ठीक है, तो आपको एक जो है इज मोर देन एनफ। लेकिन अगर आप नॉर्मल खाने वाले हो, अगर आप इस्लामाबाद के हो और आप ठीक ज्यादा नहीं खाने वाले हो, तो फिर ये आई थिंक ये कि दो लोगों बल्कि तीन लोगों के लिए दो प्लेटर से नाफ है। बस फिर ऐसे ही करते हैं, क्योंकि मैं भी इतना खाने वाला नहीं हूँ, हमाद भी इतना खाने वाला नहीं है। अरसलान आप तो मेरे ख्याल वैसी डाइटिंग पे, तू डाइटिंग कर रहा है यार? अरसा दराज से हम डाइटिंग पे। ये नहीं, मुझे तेरी मोटिवेशन याद है। हम लोग इस डाइटिंग में चार टाइम का खाना खा रहे हैं। अच्छा, तो
बस पे मेरे ख्याल में दो फिट रहेंगे, क्या ख्याल है? हाँ हाँ दो फिट है, है ना, एक पाकिस्तानी कर लेते हैं और एक कॉन्टिनेंटल कर लेते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं। पाकिस्तानी बेसिकली तो तुझे मिलेगा ना कि एक तो देखो जूसेस हैं, ठीक है, इसमें चॉइस पे जूस या लस्सी है, फ्रेश एग्स हैं और प्रेफरेंसेस है उसमें ट्रेडिशनल पाकिस्तानी है, मशरूम ऑलिव एंड चीज़ है, ब्रेकफास्ट बीफ सॉसेजेस मशरूम एंड चीज़ है, स्पिनच एंड चीज़ है, मतलब ये बेसिकली चार ऑप्शंस है एग्स में, फ्रेश जूसेस है, सही है, वही सीन है जो पाकिस्तानी में, टू फार्म फ्रेश एग्स, उसमें भी चार टाइप्स है, टोस्टेड ब्रेड है, सही है, और उसके बाद मीटी साइड लाइन भी, अच्छा ये ऐसी शशके में डाल देते हैं मेरे ख्याल में, ये यार ये नहीं, इसमें तुम्हारा ऑप्शन है बीफ पैटी है या ग्रिल चिकन, नहीं ये शशका ही है मेरे ख्याल में, कुछ खाता है वैसे? हाँ अच्छा अच्छा होता है, जूसी होता है, मजे का होता है यार, बस सही है, बस मैं मंगवा यार, बुला बंदे को, बहुत भूख लग रही है भाई, बहुत भूख लग रही है। तो यार तकरीबन 25 मिनट्स का इन्होंने हमें कहा था सलाम साहब, भाई 40 मिनट बाद 25 मिनट का कह के 40 मिनट के बाद 50 मिनट के बाद 50 मिनट के बाद आया है, सही है, अब भूख के जो लेवल है ना, पहले हमारा लेवल ये था, अब हमारी भूख का लेवल ये हो गया, सही है, अब पहले स्टार्ट करते हैं पराठे से, सही है यार, पराठे से स्टार्ट करने यार, मैं तो सलाम साहब भूख बड़ी लग रही है, पहले मैं ये ट्राई करता हूँ, चने ट्राई कर लो, सही है, क्रिस्पी पराठा लग रहा है, पराठा भी क्रिस्पी लग रहे हैं और चने मुझे सॉफ्ट लगे हैं बड़े, क्योंकि ये एकदम ही टूट गया है जैसे ही मैंने पराठा लगाया, ये पराठे के ऊपर अच्छा, अब मैं एक और काम करता हूँ ना, चने ट्राई हो गए, अब आलू ट्राई करूँ आलू भी सॉफ्ट है, काफी सॉफ्ट है, अच्छा थोड़ा ऐड ऑन करूंगा, चने जो है ना काफी सॉफ्ट है, जो चने वैसे होते हैं थोड़े से हार्ड होते हैं, आप जो खाते हैं तो आपको थोड़ा सा वो च्यू करना पड़ता है, तो उस पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं मुझे तुम ये बताओ ना कि चनों के अंदर जो बेसिकली जो मसाला है वो खाली मसाले का जायका है, चने के अंदर भी गया वो मसाला, यार चने के अंदर भी गया है मेरे ख्याल, आपने बड़ा टेक्निकल सवाल पूछा, लेकिन चने के अंदर भी गया है मेरे ख्याल में, क्योंकि आप भी खा के देखें, क्या ख्याल है चनों के बारे में? अगर हम बीफ ट्राई करें अभी, पहले तो हम देखते हैं ना कि इसका टेंडर कैसा है, यार ये तो जूसी तो है काफी, अब अगर ये जूस का टेस्ट भी आए, नहीं आएगा सॉफ्ट भाई, यार अच्छा है यार, बीफ भी अच्छा है, ट्राई कर, अच्छा ये बिल्कुल उन्होंने साइड लाइन की तरह दिया है, मतलब स्पाइसी नहीं है, मसाला भी सही है, हैवी करने वाला मसाला नहीं है जो खराब करे आपको अंदर जाके, ठीक है ना, मतलब एक इन्होंने क्वालिटी बीफ दिया है, सही है, मैं तो मुझे अच्छा लगा है बीफ, आई थिंक मशरूम, इसको अगर हम बीच में देखें, तोड़ के दिखाएं अगर आपको, ये देखें बीफ सॉसेज मशरूम एंड चीज़, ये तीनों चीजें डाली है, बीफ आ गया आपका, बीफ किधर है यार, ये तो सॉसेज आ गया, ये बीफ सॉसेज है, ये मशरूम आ गया, ये बीफ सॉसेज है, अच्छा बीफ सॉसेज है, सही है, ये बीफ सॉसेज आ गया, सही है, लेकिन ये ट्राई करते हैं यार, आमलेट तुम जो मुनाल के वैसे ही पसंद है, अक्सर मैंने खाए हुए रमजान में, यार ये अच्छा है, आई हैव ट्राइड दिस बिफोर, चीज इन्होंने काफी हैवी डाला है, मंड के डाला हुआ है चीज इन्होंने, सही है, बीफ सॉसेज और मशरूम की क्वांटिटी भी ज्यादा है, ट्राई कर, क्या हालात है भाई जान, हालात बेहतर हो रहे हैं, अभी हम लोग ऑफ द स्क्रीन काफी ज्यादा डिबेट कर रहे थे कि भाई पाकिस्तानी आमलेट मंगवाना चाहिए या नहीं मंगवाना चाहिए, हमने कहा मंगवा लेते हैं, कंपैरिजन हो जाएगा कि क्या कर रहा है, टमाटर डाला है इन्होंने, सही है यार, ये अच्छा प्याज है, ऑलिव भी डाला है मेरे ख्याल में, एक दो ऑलिव भी नजर आए, और ये दूसरी मिर्च आ गई, चलो ये ट्राई करते हैं ना यार, लेकिन ये वाकई इन्होंने पाकिस्तानी आमलेट ही दिया है, क्योंकि थोड़ा सा डार्क भी किया आप देख रहे हैं, वो इन्होंने लाइट थोड़ा रखा, रोस्टेड आमलेट नॉर्मल पाकिस्तानी आमलेट है, नहीं लेकिन और जो आप जो फिलिंग की बात कर रहे थे चीजें वगैरह की, अनियन ज्यादा है, ठीक है, और वैसे मैं अगर बात करूँ ना अपनी, तो मुझे ये ठीक लगा है, मतलब कोई आउट ऑफ द बॉक्स भी लगा हुआ कि ये मैं इसके लिए इतना मतलब हाई फाई करूँ, इसके लिए फिर तो पूरी के मुलाजमात पूरे करेंगे ना,
सबसे पहले हम डालेंगे जी हलवा, ऐसे करके इसी के साथ खा लिया जाए, हलवे के साथ। कैसी है? क्रिस्पी, फ्रेश, अभी ताजी ताजी बन के आई हुई है पूरी। फिट है पूरी, पूरी भी फिट है, हलवा भी फिट है। हलवे में आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, हलवे में मिठास जो है ना, मिठास का लेवल बड़ा मैटर करता है, तो मिठास इसमें इन लोगों ने बड़ी एक अच्छी डाली हुई है कि आपको बहुत ज़्यादा मुंह में जाके एक फील नहीं हो रहा कि बहुत ज़्यादा मीठा है। उसके साथ साथ ऑयल की क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है हलवे की, तो मुझे तो हलवा अच्छा लगा। अरसलान, आप इसमें क्या बोलेंगे? हलवा में ट्राई किया, आलू सही है यार। आलू अच्छा मुझे नहीं लगे आलू, मुझे थोड़ा सा ना ऑयल की क्वालिटी भी सही नहीं लग रही, और आलू मुझे टिपिकल लग रहा है, कोई वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है कि बंदा बोले। ये आगे चने, सूजी हलवा, चने, हाँ सूजी हलवा, ये आगे सूजी। रिफ्रेशिंग फ्रॉम अ टेस्ट बड्स, नहीं नहीं अच्छा है। 1575 है विदाउट टैक्स, तो आप आई थिंक 1700 के भी हो जाएगा। मतलब कि अगर ये जूस हम लोग अलग मंगवाएं तो 1000 प्लस टैक्स। यस, नो 1000 हो जाता है टैक्स मिला के। चलो लेकिन ज्यादा है यार भाई। हाँ। जूस तो ट्राई किया नहीं हमने। आप जूस ट्राई करो, तू जूस ट्राई करना, मैं लस्सी ट्राई करना। सही है, ठीक है। मैंगो जूस है और मीठी लस्सी है। लस्सी नहीं सही, लस्सी का मजा नहीं आया। थोड़ा सा टाइम देना यार, बैठने का टाइम दे इसको। यार कितना बिठाऊं इसको, इतनी इतनी, ये तो पहले की आई हुई है। नहीं, जुबान पे बैठने का टाइम नहीं, लस्सी खुद कह देती है यार। देखिए लस्सी जो है ना, लस्सी की जो मेन चीज होती है थिकनेस, सही है, और जो आपके पास पेड़े थोड़ा मिलाई शिलाई आ रही हो, थोड़ा मीठे का लेवल हो, तो वो चीज मुझे इस पे इतनी नजर नहीं आई। सॉरी टू से, मैंगो जूस तो अच्छा है, ये ट्राई करें ना आप। चौंसे आमों का जूस है, चौंसे आम, इसीलिए 1000 रुपए का रखा है इन्होंने। अरसलान साहब की बात सेट है कि इसमें जी चौंसा है, सही है, और अच्छी क्वालिटी है, जूस अच्छा है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा भाई 1000 रुपीज देना इसके लिए ना भाई। अच्छा, बहुत ज्यादा, इस पे 4 ले लूंगा। सब चीजें ट्राई हो गई, मेजर मेजर सही है, हलवा ट्राई कर लिया, चने ट्राई कर लिया, आलू हो गए, आमलेट 2 तरह के हो गए, बीफ हो गया, कटलेस रह गया, कटलेस कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, लस्सी के तो दूध नहीं है, लस्सी जो बेसिकली बनी हुई है वो पाउडर्ड मिल्क से बनी हुई है। तो मतलब क्या ख्याल है, मेरे रिव्यू के बाद जो मैं बोल रहा था लस्सी, यार लस्सी तो है वो ऑब्वियसली दूध की बनती है, पाउडर्ड मिल्क की तो नहीं बनती है। लेकिन कैसी लगी है मैंगो जैम दिया इन्होंने, आवाज आपको मैंगो पसंद है मेरे ख्याल, भरपूर ब्रेड के साथ ट्राई कर लेते हैं एक, बस उसके बाद बस फिर ये अगर हम पाकिस्तानी ऑमलेट का अंदर से आपको दिखाएं। दूसरी बात इस जगह आके बंदे को फॉर्मल भी होना पड़ता है ना, नॉर्मल ऑमलेट है इसके अंदर से, अगर इसके अंदर से हो गया नहीं हुआ मेरे ख्याल। सो गाइस फाइनली हम लोग हमने काफ़ी कुछ खा लिया है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं, मेरे ख्याल में वर्थ इट है, सही है, एम्बियंस भी है यहाँ पे, सही है, और बाकी फूड की क्वालिटी भी अच्छी है, सही है, और व्यू शू भी आपके सामने। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप लोग आए, क्योंकि यहाँ पे मौसम की वाइब भी अच्छी मिल जाती है। रिकमेंड कि आप ट्रेल 3 बिल्कुल साथ है। तो वैसे हमने यहाँ भी देखा काफी लोगों को आए हुए थे हाइकिंग वगैरह करके आए, 2.5 घंटा लगेगा आपको, आप नीचे से ऊपर आ जाएंगे और वापसी तो आपकी वो तो डेफिनेटली थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी उससे, क्योंकि स्लो एलिवेशन है ना थोड़ी एलिवेशन। तो बस, सो कीप फॉलोइंग स्ट्रीट्स पाकिस्तान, सी यू सून, बाय, फॉलो अप गाइस।